लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा, वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद में एक शादी समारोह में एक युवक की मौत के बाद जमकर हुआ हंगामा। जी हां, युवक के परिजन ने पोस्टमार्टम हाउस पर जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप था कि युवक की हत्या हुई है, इसके बावजूद पुलिस हल्की धाराओं में केस दर्ज कर मामले की लीपापोती कर रही है। हंगामे की जानकारी मिलते ही SP ग्रामीण अस्पताल पहुंचे और परिजनों को हत्या का केस दर्ज करने का भरोसा दिया, तभी कहीं जाकर मामला शांत हो सका। आपको बता दें कि रात में शादी समारोह में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया था कि उसकी हत्या की गई है, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गैर इरादतन हत्या में दर्ज किया था। परिजन इस बात को लेकर काफी गुस्से में थे। परिजनों का आरोप था कि पुलिस आरोपियों को लाभ पहुंचाने के मकसद से केस की लीपापोती कर रही है। परिजनों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। परिजन शव का अंतिम संस्कार तक करने के लिए तैयार नहीं थे। हंगामे की जानकारी मिलते ही SP ग्रामीण जिला अस्पताल पहुंचे और परिजनों को आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही का भरोसा दिया। तब परिजन शांत हुए। इस मामले में SP ग्रामीण का कहना था कि पहले से इस मामले में 304 का केस दर्ज हुआ था, लेकिन परिजनों की मांग के बाद अब हत्या का केस दर्ज कर दिया गया है। आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। विवाह समारोह में गया था तो वहाँ पे थोड़ा वाद विवाद हुआ और जो दूसरे लोग थे उन्होंने मेरे भाई में गोली मारी। एक एडमिट है, मेरे भाई की डेथ हो चुकी है और मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। SO साहब ने अपने सामने बिठा के जैसे जैसे बोला, मैं तो बहुत दुखी था। वैसे वैसे उन्होंने अपने सामने लिखवाए, व्यक्तियों से साइन करवाए, लेकिन हमने जो अभी देखी तहरीर तो उसमें देखा 304 का मुकदमा बनाया है। मुकदमा 302 और 307 बनना चाहिए और वो गिरफ्तार होने चाहिए जल्दी से जल्दी। हमें पूछो, आप हमारे माँ बाप को पूछो क्या बीत रही है। मेरा 20 साल का भाई है, भैया मैं ये चाह रहा हूँ उनके खिलाफ 302 307 जल्दी गिरफ्तार हो और तुरंत SP महोदय से मेरा नम्र निवेदन है कि वो तुरंत आए और वो मेरी आगे हमारी तहरीर को यहाँ पे हमारी FIR दर्ज करवाए थाना खैरगढ़ में। कल एक बारात गई थी रसूलपुर थाना क्षेत्र के लालपुर गांव से और रात में करीब 12 बजे का मामला है। एक सत्यन नामक व्यक्ति जो जिसके पास लाइसेंसी अपनी DBBL गन थी, उसने फायर किया और उसमें एक गोली लगी एक बच्चे को, जिससे उसकी मौत हो गई। इसमें पहले 304 में मुकदमा लिखा गया था, लेकिन परिजनों का कहना था कि नहीं, उसने जानबूझ के गोली मारी थी। उसको फिर हत्या में तरमीम किया जा रहा है और हत्या में ही उसकी तफ्तीश आगे की जाएगी। सर, क्या परिजन आप सबको ले जाने के लिए तैयार? हाँ यस, परिजनों से मेरी बात हो गई, उनको मैंने समझा दिया उसमें हत्या के ही धाराओं में।